बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा देवर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूजा जी ने अपना जन्मदिन अपने फैंस और मीडिया के साथ मनाया। हमारे कल तक मुंबई टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलने आए मुझसे बिकॉज मैंने उन्हें इनवाइट किया, क्योंकि मेरे दिल में था कि मैं उनसे मिलूं और वो मुझे ही मिले। हर बार लिखते हैं तो कभी कभी कुछ नया करना होता है। एवरी टाइम क्या होता है, आप बर्थडे करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, सो नॉर्मली फ्रेंड्स टेकिंग फॉर ग्रांटेड है, मैं गई, तू गया, मैं आया, ऐसा हो जाता है। तो समथिंग न्यू आई वॉन्टेड टू डू, प्लस आई वॉन्टेड टू गिव थैंक्स टू माई फैंस जो कॉन्स्टेंटली मेरे साथ हैं हमेशा, मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और वट एवर दे राइट टू मी। सो ये एक अच्छा मौका था कि बर्थडे भी है और मैं उनको इसी बहाने बुला भी सकूं। और मुझे लगता है कि ऐसा काम आज तक किसी और ने किया नहीं है, तो फर्स्ट टाइम एक एक्ट्रेस ऐसी है जो अपने सारे रियल फैंस को रियल स्टेज के ऊपर मिल रही है, सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। मैंने तो सोशल मीडिया पे डाला था ओपनली, जो भी आना चाहेंगे वो अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया और जब बहुत सारे 8-10 हज़ार लोगों के हमें नाम आए और उन्होंने बोला कि हम आना चाहते हैं, फिर उसमें से फिर हमारे मीडिया, हमारे जो PR टीम है, उन्होंने सेलेक्ट किया कितने लोग आएंगे, क्योंकि सबको तो बुलाया नहीं जा सकता। फिर ये देखा जाएगा कि कौन बहुत समय से मेरा फ़ैन है, वो मुझे अच्छा लिखता है या मेरे बारे में लिखता है, फिर ऐसे करके वो छटनी होते 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 फिर 100-150 के ऊपर लोग आए और फिर उनको हमने इनवाइट किया। वाओ, मैं कब से चाह रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब मैं दूँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ऑफकोर्स मेरी पहली फिल्म मोहरा थी और मैं बहुत प्राउड हूँ उस बारे में कि मैं कुछ भी करती हूँ एक ही करती हूँ, लेकिन वो एक ही धमाकेदार होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लड़कियाँ, मतलब मैं एक हीरोइन की बात करती हूँ, रवीना टंडन जी जो थी मेरी फिल्म में थी, आज भी हैं, उनकी 50 फिल्में आई होंगी, 100 फिल्में आई होंगी, लेकिन जब भी वो आती हैं, जब भी आते हैं तो सिर्फ एक ही गाना बजता, टिप टिप बरसा पानी, और मैं भी आती हूँ तो मेरे लिए एक गाना बजता कि ना कचरे की धार। तो क्या डिफरेंस है, 100 फिल्में नहीं की तो नहीं की, जो मैं मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम करती हूँ। मैंने बहुत सारी बीच में काम किया, फिर मैंने अभी ओ माय गॉड इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि आप अगर मेरे बारे में गूगल में पढ़ेंगे तो देखेंगे मैंने जो भी काम किया, जो भी किया है वो कम से कम हिट हुआ है। तो मैं मुझे ऐसा रोल नहीं करना है कोई जो साइड में जाके कैरेक्टर कर लिया और चले गए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। और सिंपली हो सकता है कि ना कचरे की धार के टाइम पे आई वॉज वेरी बच्चा और वो जो इंडियन लुक था जो मुझे नहीं करना था रिपीटेडली तो मैंने नहीं किया, फिर उसके बाद स्टडी रही। तो थोड़ा सा गिला शिकवा तो है कि हम डिज़र्विंग रहे, लेकिन नेपोटिज्म और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें बाहर के लोगों को कम काम मिलता है, बट नथिंग, नो वरीज। देखिए आपके सामने बैठी हूँ, हंसती खेलती अच्छी वाली, मैं हैप्पी तो हमेशा ही रहती हूँ, मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ। काम मिलेगा तो दुखी नहीं, ना मिला तो दुखी नहीं, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहती हूँ, क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मैं बाहर से नहीं आई हूँ कि बाहर से आके आदमी परेशान हो के या फिर खाना नहीं मिला, काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो वापस चले जाए, ऐसा नहीं है। आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, सो लेकिन हाँ मुझे भी फील होता है कि मैंने भी और बहुत सारी फिल्में की होती, बहुत अच्छे अच्छे रोल किए होते, बहुत अच्छा अच्छा काम मुझे मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का एक ग्रुपिज्म जो बनता है वो ग्रुपिज्म ऐसा बन जाता है कि फिर बाद में आप उसे तोड़ नहीं पाते। पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आज इतना सारा मीडियम है, आज वेब सीरीज़ है, आज हम अपने खुद टॉक शोज़ कर सकते हैं, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपनी चीज़ों में अपने जो मन में आता है वो काम करती हूँ। स्पोर्ट्स में इतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि मतलब मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करती हूँ। तो आई वुड लव टू डू सम ग्लैमर रोल किसी बड़ी एक्ट्रेस के ऊपर, अगर कोई फिल्म बन रही हो मैडोना के ऊपर अगर बने तो मैं कर सकती हूँ। और अगर हमारी हिंदी फिल्मों के में, अगर आई बिलीव अगर मीना कुमारी जी के लिए मुझे रोल मिले तो आई वुड लव टू डू दैट, बिकॉज मीना कुमारी जी की जो फिल्में हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। उनकी खाली एक फेस के एक्सप्रेशन से ही इतना ऐसा लगता है कि बस पूरा रोल हो गया। बाकी आई एम नॉट सो बॉदर अबाउट, जो मुझे मिले अच्छा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ मनाती हूँ, और मुझे लगता है आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैं अपने फैंस के और मीडिया के साथ हूँ सिर्फ।
बाकी और कोई नहीं है, तो आई थिंक आज का बर्थडे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 दिन आप लाइन में हैं, आप फिर टीवी पे हैं, आप फिर पेपर में हैं, फिर घर में बैठेंगे, फिर क्या उसके पीछे दौड़ेंगे? हम लोग नहीं दौड़ेंगे। तो जितना आपके पास काम आता है आप उसको खुशी से करिए, उसके बाद आपकी फैमिली है, फिर आप खुद भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं खुद मैनेजमेंट करती हूँ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम इवेंट्स करती हूँ, मैं ज्वेलरी डिज़ाइन करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ जो मुझे ऑक्यूपाइड रखती है, और मैं अपना ध्यान बांटे रहती हूँ। मुझे कभी खालीफन महसूस ही नहीं होता कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, तो काम आए या ना आए, इट डजंट मैटर टू मी।